मैं और एक विषय के लिए माननीय राष्ट्रपति जी का प्रारंभ में आभार प्रकट करूंगा। ये कोरोना की प्रकोप के उपरांत शायद सबसे ज्यादा प्रवास किसी डेस्टिनेशन में माननीय राष्ट्रपति जी का हुआ होगा तो शिक्षानुष्ठान में हुआ होगा। ना केवल हुआ, भारत की सामाजिक जीवन में पब्लिक की डोमेन में कुछ उच्च परंपरा भी आपके मार्गदर्शन में शुरू हो गई है। जब मैं कहता हूं कि हम एक चैलेंजिंग पीरियड में एकत्रित, उसके साथ साथ कुछ शुभ अवसर भी हमको मिल रहा है। आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अमृत का प्रवास हम लोगों की शुरू हुई है। विश्व की परिस्थिति जब कोरोना से बाहर आ रही है, विश्व की राजनीति में काफी उथल पुथल भी हो रही है, जिसके कारण विश्व की अर्थनीति, विश्व सामान्य लोगों की जिंदगी चुनौती भरा समय में गति कर रहा है। उस समय में भारत जैसे बड़े देशों के ऊपर दुनिया की, विशेष करके इमर्जिंग इकोनॉमी की बड़ी अपेक्षा से नजर है, और कोई भी सभ्यता की, कोई भी देश की शिक्षा उस समाज की, उस की प्राण होती है। आज विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में हम देश की चुन शिक्षा विभाग की नेतृत्व एकत्रित, आज की परिस्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए, काल की रोडमैप बनाने के लिए, 21वीं सदी की रोडमैप बनाने के लिए भारत जो मसौदा बनाएगा, जिसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय राष्ट्रपति जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो या तमाम संघीय व्यवस्था की नेतृत्व हो, सामूहिक रूप में जो सपना दिखा है उसी मसौदे के नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसको भी 2 साल हो गया है। और कौशल्य, एजुकेशन एंड स्किल दोनों की, दोनों की मिश्रण से आज एक नई इकोसिस्टम बनते हुए है। दुनिया आज नई चुनौती में घुस रहा है। एक किताब में इन दिनों में पढ़ रहा हूं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है, इनोवेशन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी AI और मशीन लर्निंग के नाम पे इमर्ज कर चुका है। ये रोजमर्रे की जिंदगी को प्रभावित करता है। उस समय में समाज और प्रश्न के साथ इस समूह को देख रहा है, उसमें मनुष्य की भावना कहाँ खड़ा हो रहा है। ये भी तर्क आप जैसे विद्वान कर रहे हैं, शायद AI और मशीन लर्निंग मनुष्य की भावना को भी क्लोनिंग करके भावना को भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इस समय में दुनिया कहाँ जाएगी, दुनिया की रोजगार क्या होगी, दुनिया की नई रोजगार क्या क्या आएगी, ये देश की आम जनता को मालूम नहीं है। महानुभव, ये सभी हम ही लोगों के ऊपर उस दारोमदार न्यस्त है, हमारी ऊपर ये जिम्मेदारी है। 130 करोड़ की देश इस विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को बड़े अपेक्षा के साथ देख रहा है। देश के विद्वान जब एकत्रित हो रहे हैं, जब अमृत काल की शुभ अवसर पे एकत्रित हो रहे हैं, 21वीं सदी की 2 दशक उपरांत एकत्रित हो रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 2047 की सपना हम कलेक्टिवली दिखे, उस समय में इस बैठक की महत्व और बढ़ जाती है। आइए हम सब मिलकर इस 2 दिवस की अधिवेशन में हमारी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए दुनिया की इनोवेशन, नया व्यवसाय की ढांचा, नया औद्योगिक क्रांति, ये सभी के पृष्ठभूमि में नया दुनिया कैसे बनेगा, उसमें मनुष्य कहाँ खड़ा होगा, उसमें मनुष्य की भावनाएं कहाँ रहेगी, पॉजिटिविटी कैसे रहेगी, ये सारे चुनौती शायद शिक्षा विभाग के पास है, आप जैसे विद्वानों की कंधे पे हैं। मैं आप सभी को इस 2 दिवसीय अधिवेशन में पुनः स्वागत करता हूं। हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का दिशा दर्शन मिलेगा, हमें उनके मार्गदर्शन मिलेगा,
और हम आने वाले कुछ घंटों में कुछ प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे और उसकी कुछ कलेक्टिव मसौदा भी हम एक सामूहिक निर्णय की ओर हम लोग जाएंगे, फिर हमें माननीय राष्ट्रपति जी का अंतिम मार्गदर्शन मिलेगा। अभी जो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए पथ्य बनेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।